गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग अविका रावत चैनल्स व्लॉग। तो आज मेरी मम्मी बना रही है यहाँ बेसन के लड्डू। तो इसके लिए मम्मी ने बना चुका है, एक किशमिश रखा है, काजू रखा है, ये बादाम और ये मक्खन है, और ये घी हो, और ये मम्मी ने आटा रखा है। आटा गाइस, तो अभी मम्मी ने डाल चुका है कढ़ाई में घी। जैसे ही ये पिघलेगा मेरी मम्मी इसमें डाल देगी आटा और उसको खूब देख तक घूमेगी। गाइस, तो अभी मम्मी ने डाल चुका है आटा। जब ये पूरा भून जाएगा, अच्छे से भून जाएगा, तब मम्मी इसको भून लेगी अच्छे से, भून ऐसे। तो गाइस, आटे को ऐसे हिलाते रहना है जब तक आटा भून ना जाए। जब आटा भून जाएगा तो उसके बाद इसको नीचे उतार देंगे। गाइस, आटा भुनने के बाद कुछ यूं हो चुका है। तो गाइस, अब मम्मी इसको उतार देगी। अब मम्मी बेसन भुनेगी गाइस। गाइस, इसे भी आटे की तरह वैसे ही भुनना है। गाइस, तो बेसन भुन के कुछ यूं हो चुका है। बेसन देख सकते हैं आप। देखो गाइस, तो अभी हमने सारी चीज़ें भुन के रख चुके हैं, तो अब मम्मी आगे क्या करती है देखते रहे। तो गाइस, ये मम्मी ने जितनी भी सारी चीज़ें सारी मिक्स कर चुकी है। ये थोड़ा गर्म है तो अभी मम्मी इसको मिक्स नहीं करेगी। तो गाइस, सब कुछ मिक्स करने के बाद मम्मी ने सारे ड्राई फ्रूट जितने पीसेस है सारे इसमें डाल चुके हैं। अब सारों को भून देंगे, जितना भी है पूरा है इनको सब भून देंगे। गाइस, तो मम्मी इनका लड्डू बनाएगी। गाइस, तो ये है लड्डू। इसको अंदर से देखते हैं, नीचे अंदर से कुछ यूं दिखते हैं, तो इसको खाते हैं। बहुत टेस्टी हो रहा है।